ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए डीसी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एडीसी की अध्यक्षता में जिला क्षय निवारण समिति टीवी फॉर्म एचआईवी इशू सहित कुल 4 बैठकें आयोजित की गई। बैठक में सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए डीसी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एडीसी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष निवारण समिति टीवी फॉर्म एचआईवी इश्यू सहित कुल 4 बैठकें आयोजित की गई। बैठक में सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीसी ने कहा कि टीवी के साथ कुछ और भी इश्यू होते हैं जो कि मौत का कारण बनते हैं, उन पर भी चर्चा की गई। प्रदेश को वर्ष 2021 तक टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। हर विभाग द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग की जा रही है जिस पर चर्चा की गई। टीवी मरीजों को पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा गया और कैसे उन दिक्कतों को हेल्थ सिस्टम में सुधार से दूर किया जाता है। एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने कहा कि एचआईवी के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में 8 सेंटर है जहां एचआईवी केसेस की कंफर्मेशन होती है। लोगों से अपील है कि एचआईवी टेस्टिंग के लिए आगे आएं। 90% लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें एचआईवी है या नहीं, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य तय किया गया है। लोग इसमें आगे आकर टेस्ट करवाएं, जिससे यदि किसी में ये पाया जाता है तो उनका समय पर उपचार शुरू किया जा सके। एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने कहा कि टीबी रोग का उपचार बीच में छोड़ दिया जाए तो बिगड़ जाता है। जिन परिवारों में टीबी या एचआईवी के मरीज हैं, वो इसे स्टिग्मा की तरह न लें, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं जिनका उपचार संभव है। उपचार के सिस्टम में ऐसे मरीजों को लाना जरूरी है। पंचायत प्रतिनिधियों पर जनता से हमारा आग्रह है कि ऐसे मरीजों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य सिस्टम तक पहुंचाने के लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए। एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने कहा कि जिला कांगड़ा में 1253 मरीज एचआईवी से ग्रस्त हैं, जिनका उपचार चल रहा है। जिन मरीजों को एचआईवी होता है, उन्हें टीबी भी हो जाता है, इसलिए इस रोग के डबल इम्पैक्ट को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन्हें टीवी है उन्हें एचआईवी तो नहीं है, तथा जिन्हें एचआईवी है तो उन्हें टीवी तो नहीं है, जिससे हमें इस इम्पैक्ट की वास्तविक स्थिति पता चल सके। एचआईवी में इम्यूनिटी कम होती है तो सबसे पहले टीवी के लक्षण बढ़ते हैं। आज हमारी जो है वो कपल ऑफ मीटिंग्स थी, इसमें जिला क्षय निवारण समिति की भी बैठक थी, टीवी फोरम की भी बैठक थी, और एचआईवी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने डिस्कस किए। साथ में टीबी के साथ जो अन्य मॉर्बिडिटी के इश्यूज़ होते हैं, जो मृत्यु का कारण होता है, उनको भी हमने उनकी चर्चा की। तो 4 बैठकें थी हमारी। इसमें हमने ये जो प्रोग्रेस है अभी तक की हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में टीबी के केसेस की, स्पेशली क्योंकि टीबी एक प्रायोरिटी है और 2021 तक हमने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है हिमाचल में, उसके लिए जो एक्टिव केस फाइंडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है उस पर चर्चा की। साथ में ही ये बताने की भी कोशिश की कि मरीजों से हमने फीडबैक लिया है, जो टीबी के मरीज़ हैं हमसे, कि कहाँ कहाँ उन्हें दिक्कतें आती हैं और कैसे उनको जो है हेल्थ सिस्टम में सुधार के द्वारा उसको दूर किया जाता है। एचआईवी के बारे में भी इन मीटिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है कि हमारे 8 सेंटर्स हैं जिला में जहां पे एचआईवी के केसेस की कंफर्मेशन होती है, और टांडा में एआरटी का हमारा सेंटर है। तो लोगों को से ये अपील की गई है कि वॉलंटरीली जो है वो आगे आएँ, जिससे कि टेस्टिंग हो सके। हमारा नेशनल स्तर पर लक्ष्य है कि 90% लोगों को एटलीस्ट अपना जो एचआईवी का स्टेटस है वो पता होना चाहिए कि वो उनको एचआईवी है या नहीं है, जिससे कि टाइम पे जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे आके खुद वॉलंटरली अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य की जो है वो सुरक्षा की जा सके और टाइम पे उपचार शुरू किया जा सके। टीबी के संबंध में भी हम ये चाहेंगे कि जिन जिन लोगों को टीबी की ट्रीटमेंट चली हुई है, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लगातार जारी रहे। टीबी का ट्रीटमेंट अगर बीच में टूट जाता है तो वो एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी का रूप ले लेता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन हो जाता है। तो जो टीबी का ट्रीटमेंट जो लोग करा रहे हैं, वो जैसा स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, जो डॉट्स का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और जिन परिवारों में एचआईवी के पेशेंट या टीबी के पेशेंट हैं उसको स्टिग्मा की तरह नहीं लें, क्योंकि ये एक बीमारी है जो इनका उपचार संभव है, और इसलिए उपचार
में के सिस्टम में उस मरीज को लाना ज़रूरी है। लोगों से भी हमारी अपील है, पंचायत प्रतिनिधियों से और सभी सामान्य जनों से, कि ऐसे पेशेंट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। उनको स्वास्थ्य सिस्टम तक पहुँचाने के लिए उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। लगभग 1253 पेशेंट जो है अभी आइडेंटिफाइड हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो चला हुआ है HIV में। अब हमारा प्रयास ये है कि जिन पेशेंट्स को HIV होता है उनको TB भी हो जाता है, तो जो डबल इम्पैक्ट है इसका, उसको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन भी पेशेंट्स को HIV है क्या उनको TB तो नहीं है, या जिन पेशेंट्स को TB है क्या उनको HIV तो नहीं है, तो जिससे कि हमारे को एक्चुअल इम्पैक्ट इसका पता चल सके। क्योंकि HIV में इम्यूनिटी लो होती है तो सबसे पहले जो है वो TB का इंसिडेंस बढ़ता है।